अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। देखिए कैदी का वीडियो वायरल हुआ है तो कानून अपना काम करेगा। मैं गोविंदर सिंह संधू बात कर रहा हूँ आपसे। मैं हरिद्वार जेल में बंद हूँ। मुझे 27 तारीख को बिना किसी वजह के बताए मुझे बहुत मारपीट की गई मेरे साथ। अधीक्षक द्वारा कहा गया बंदी रक्षकों को और दो हेडों को, उन 12-13 लोगों ने मिलकर मुझे लात घूसों और डंडों से बहुत पिटाई की। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब मैंने दोबारा उनसे शिकायत करने की कोशिश की, उन्होंने मुझे धमका करके बैरिक में भेज दिया कि जहाँ से चला जा नहीं तो तेरी जेल ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर जेल ट्रांसफ़र के नाम से बहुत सारे पैसे वसूले जाते हैं। कुछ ड्रग्स माफिया जिसको भी चाहते हैं उसको जेल ट्रांसफ़र करवा देते हैं। और एक मेरे साथ दीपक नाम का बंदी और था जिसे एक ड्रग माफिया ने हेडों को पैसे दे करके और उसके साथ ही मारपीट की मेरे को। हमने वीआईपी में क्या होता वीआईपी में 12-13 घंटे बंदियों से काम कराया जाता है और मारपीट की जाती है। जो जिसके स्वास्थ्य ठीक नहीं होता उसको भी ज़बरदस्ती काम पे लगाया जाता है वहाँ। और अधीक्षक या जेल आईजी महोदय मैंने सुना था बहुत ईमानदार हैं और उन्होंने भी कभी बंदियों को आकर के नहीं पूछा। और अधीक्षक कहता है कि मतलब अगर कोई अधीक्षक आईजी मेरे बिना अंदर नहीं आ सकता। और मैं बहुत पीड़ित हूँ। मेरी मुख्यमंत्री महोदय से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि वो मुझे न्याय दिलाने की वो करें। और मैं बहुत पीड़ित हूँ। मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया जा रहा हूँ। आए दिन मुझे बैरिक से बुलवा करके धमकाया जाता है कि कोई भी किसी प्रकार का किसी के सामने तूने कोई बात रखी तो तू जेल से काटना भूल जाएगा। मैंने कोई तहरीर लिख करके अधीक्षक जी को दी, उन्होंने डिप्टी साहब को दे दी। डिप्टी साहब ने मुझे बुलाया, बोले इसकी फ़ोटो कापी करवा के ला। तो मैं फ़ोटो कापी कहाँ से करवा के लाता, मुझे बोले और लिख। मैंने कहा और क्या लिखूँ। तो बोले कि अगर तूने दोबारा ऐसी हरकत की तो जान जाएगा। मेरे को कंटीन जाने से, बैरिक से बाहर निकलने से सभी जगह से रोक लगा दी गई है। और कोई भी बंदी, नए बंदी रक्षक जो हैं वो हर तरीके की गाली गलौज करते हैं और आए दिन धमकियाँ देते हैं कि अगर तुम लोग जेल में रहना है तो ढंग से रहो, नहीं तो क्या होगा तुम्हारा तुम जान सकते हो। मेरे पूरे शरीर पर देखिए बेंत और डंडों के निशान हैं। मैं बहुत ही, मेरी मुलाकात दूर से आती है और मुलाकात करवाने को भी इन्होंने मना कर दिया कि मुलाकात आएगी तेरी मुलाकात नहीं होगी। मैं बाहर किसी प्रकार से कोई भी मैसेज नहीं दे सकता। ना ही मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें और मेरे को न्याय दिलाने की कृपा करें।